हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड है। और ये नोटिफिकेशन देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे इस टाइप के जितने भी वीडियोस हैं उन सबको मिस ना कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है DU रिक्रूटमेंट। तो आज हम बात करेंगे DU यूनिवर्सिटी में जो कि गेस्ट फैकल्टी की कुछ पोजिशन जो है वो निकाली गई है, तो उन पोजिशन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्टली टाइप करिए गूगल पे DU रिक्रूटमेंट। जैसे आप DU रिक्रूटमेंट टाइप करेंगे तो आपको गूगल जो है DU के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है www.du.ac.in। यहाँ पे आपको एक मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक एडवर्टाइजमेंट दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो DU में जितनी भी वैकेंसी निकली हुई सबका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, और जो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कालिंदी कॉलेज, इसका जो डेट है वो ऑलरेडी निकल चुका है और इसका स्क्रीनिंग भी हो चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जो नोट एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा जिसपे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट बायोफिजिक्स। यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट को। जैसे ही आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली है गेस्ट फैकल्टी की, ये है डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस बेनीटू जोरे रोड न्यू दिल्ली 110021। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ अपना ईमेल आईडी भी दे रखा है office@biophysics.du.ac.in। तो इसमें देखिए रेफरेंस नंबर भी दे रखा है। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन आया गेस्ट फैकल्टी का, इसे पब्लिश किया है 24 अगस्त, तो परसों इसे पब्लिश किया गया है। अब हम पढ़ लेते नोटिस। तो नोटिस में इन्होंने मेंशन किया है द डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स इंटेंड टू अपॉइंट 2 गेस्ट फैकल्टी मेंबर टू टीच द फॉलोइंग सेमेस्टर 1 पेपर्स। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 गेस्ट फैकल्टी की पोजिशन निकाली है जिसको सेमेस्टर 1 के जो पेपर्स हैं, जैसा नंबर 1 पेपर जो इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी, तो दीज आर फॉर स्टूडेंट विद फिजिकल साइंस बैकग्राउंड। दूसरा इंट्रोडक्टरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर स्टूडेंट विद बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड। तीसरा मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक फॉर लाइफ साइंस। फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू पेपर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो इसमें इन्होंने जो वैकेंसी निकाली वो 2 निकाली है, टोटल जो वैकेंसी वो 2 है गेस्ट फैकल्टी की। और अगर आपका सिलेक्शन इसमें होता है तो आपको सेमेस्टर 1 के जो ये 5 पेपर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, इन पेपर्स को आपको यहाँ पे पढ़ाना है। इसके साथ ही इन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे दीज पोजिशंस आर वर सैंक्शनड अगेन द वैकेंट पोजिशन ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, देयरफॉर ओनली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड OBC कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने जो पोजिशन निकाली 2 गेस्ट फैकल्टी की, ये यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर OBC और एसोसिएट प्रोफेसर SC, इसकी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है, ठीक है। ये जो यानी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंट पोजीशन, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है 2 जो वैकेंसी है वो निकाली गेस्ट फैकल्टी की। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये उन्हीं कैंडिडेट को अप्लाई करना है जो SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल वाले अगर अप्लाई करेंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा, इसीलिए जो भी SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी के हैं उन्हीं को अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें जो वैकेंट पोजीशन है वो OBC की एक है और SC की एक है। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC एंड OBC दे विल बी कंसीडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद उन्होंने बोला है कैंडिडेट हु फुलफिल UGC नोटिफाइड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मे सेंड देयर रिज्यूम टू अंडरसाइंड आइदर बाय ईमेल और बाय पोस्ट। तो इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप इनमें से जो पोजीशन उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है, अपना जो रिज्यूम है वो सेंड करना है बाय मेल के थ्रू, आपको भेजना है office@biophysics.du.ac.in पे, और या आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं @head department of biophysics university of delhi south campus delhi 110021।
ऑन और बिफोर 15 सितंबर। तो इसका जो लास्ट डेट इन्होंने दिया है वो 15 सितंबर से पहले आपको अपना रेज्यूम बाई मेल भी भेजना है, और अगर आप बाई मेल नहीं भेज रहे तो या आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। काइंडली मेंशन एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी बायोफिजिक्स। तो आप एनवेलप पे ये जरूर मेंशन करें कि जो एप्लीकेशन है ये गेस्ट फैकल्टी बायोफिजिक्स के लिए है, और अब अगर ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल में एज अ सब्जेक्ट आप लिख लीजिए एप्लीकेशन फॉर गेस्ट फैकल्टी बायोफिजिक्स, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दिया द शॉर्ट लिस्ट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू, द डेट एंड टाइम ऑफ विच विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स थ्रू ईमेल। तो इसके बाद इन्होंने कोई बोला है कि जितने भी एप्लीकेशन आएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, जो कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको जो है मेल भेजा जाएगा, और उसके बाद उन्हें ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ऑनलाइन इंटरव्यू आपका मे बी स्काइप या जूम मीटिंग के थ्रू होगा। तो इन्होंने अभी एग्जैक्ट कोई डेट और टाइम नहीं बताया है, और ये जो डेट और टाइम है ये आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हैं, अगर आपका सिलेक्शन या शॉर्टलिस्ट होते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको बाई ईमेल आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि दो जो गेस्ट फैकल्टी की जो पोजीशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस में निकली है। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप इस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसका एमोलुमेंट जो होगा वो आपका होगा आई थिंक यूजीसी का जो भी यूजीसी का जो ऑफिशियल जो एमोलुमेंट है आई थिंक वो भी मे बी 50,000 समथिंग, जो आपका इसमें जो आपका सैलरी होगा वो ऑलमोस्ट 45,000 to 50,000 के बीच होगा। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो जरूर फिलअप करिए। ये फिलअप करने के बाद आपको एक चीज और ये देखने को मिलेगी कि अगर आपने ये फॉर्म फिलअप किया है उसके बाद अगर आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, आपको जो एमोलुमेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा जो कि यूजीसी ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो यूजीसी ने जितना एमोलुमेंट डिसाइड किया है गेस्ट फैकल्टी का उतना ही आपको मिलेगा। पहले कैसे क्या होता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या था, जो एमोलुमेंट था पहले 2-3 साल पहले वो बहुत ही ज्यादा मिला करता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जब से यूजीसी ने जो रूल बना दिया है कि जो एमोलुमेंट्स होगा गेस्ट फैकल्टी का वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो क्या होगा, वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 45-50,000 मिल रहा है गेस्ट फैकल्टी को तो इतना ही मिलेगा कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी। तो ये जो रेट है या हम बोल सकते हो सैलरी है या जो एमोलुमेंट्स है वो फिक्स कर दिया गया है गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन में। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको जो एमोलुमेंट्स मिलेगा वो गेस्ट वो यूजीसी के द्वारा जो भी सैंक्शन किया गया होगा एमोलुमेंट्स वो मिलेगा। अब इसके बाद एक बात और देख लीजिए कि इसमें क्या है जो पोजीशन है, ठीक है, इसका जो ईयर है वो मेंशन नहीं किया गया कि आपको कितने साल, आपको 1 ईयर भी रख सकते हैं, मे बी आपको 2 ईयर भी रख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे ही प्रोफेसर की जो ओबीसी 01 और एसोसिएट प्रोफेसर की अगर इसकी पोजीशन जो है अगर ये कंफर्म हो जाती है या परमानेंट हो जाती है तब तक आपको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर इनकी जो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशन अगर परमानेंट वाली आ जाती है उसके बाद इनका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद मे बी वो आपको रिमूव कर सकते हैं या आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।